फ्री फूड एंड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन. और कितने बच्चे, 1800 से 2000, 2500, कभी 3000. तो दिस इज एक पर्सन है जिनका ये एम है. जो स्कूल नहीं जा पाते, स्कूल ड्रॉप आउट जो हैं, तो परेशानी ये थी हमारे सामने कि स्कूल में एडमिशन नहीं, बच्चों को दिक्कत है, अर्निंग, खाना, इन खाने के लिए इन लोगों को काम करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें थी. जहाँ जाते थे हम बोलते थे कि हम इनको पढ़ाएंगे. तो पहले तो सब लोग यही कहते थे कि देखिए सर, आते तो ऐसे बहुत लोग, वो लोग हमसे कहते थे स्लम एरिया के लोग कि आते तो ऐसे बहुत लोग हैं पर करता कोई नहीं है. सब ये कहते हैं कि हम आपके लिए करके जाएंगे, कुछ दिन आते हैं फिर चले जाते हैं. तो आप आना शुरू करिए, नाम मत लिखिए, आप आना शुरू करिए, उसके बाद में हम देखते हैं बच्चे पढ़ेंगे. हमने आना शुरू किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया. तो धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ दिन बच्चे आते फिर चले जाते, कुछ दिन बच्चे आते फिर चले जाते. लेकिन क्या हुआ कि हम उनके पेरेंट्स से मिले, सबसे मिले, तो एक चीज़ देखी हमने कि बच्चे क्यों नहीं आते हैं. कारण इसका सबसे बड़ा ये था कि बच्चों को खाने के लिए खाना नहीं था. पेरेंट्स से इतनी अर्निंग, इतना कमा नहीं पाते थे क्योंकि बाहर के अदर स्टेट के हैं, कोई बिहार से है, झारखंड से है, कोई किसी MP से है, तो वो इतना ही कमा पाते थे कि यहाँ रह के रेंट पे ले सकें या फिर और बाकी अदर खर्चे दे सकें. तो क्या था कि बच्चों को खाना नहीं मिल पाता था, इसलिए बच्चे काम करते थे. तो हमने क्या किया कि पेरेंट्स से एक डील करी कि यदि हम बच्चों को खाना दें, इनको कपड़ा दें, इनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, तो क्या आप पढ़ने देंगे इन बच्चों को? और आप यकीन मानिए कि पेरेंट्स तैयार हो गए. मैंने कहा अभी मान के चलिए आपके बच्चे ही नहीं हैं, आपके खर्चे ज़ीरो होते हैं, इसके लिए आप अपने लिए और बाकी बच्चों के लिए कमा लीजिए, इसको एक तरीके से हमारे पास दे दीजिए. जैसे ही उनको खाने का हमने ऑफर किया कि हम खाना खिला देंगे, वो लोग रेडी हो गए. और वाकई में आप यकीन नहीं करेंगे कि बच्चे हमारे पास आने लगे, हमने खाना दिया, पढ़ने लगे. और एक हफ्ते बाद ही खाने की लालच खत्म, सब चीज़ की लालच खत्म. पहले जब कोई कुछ लोग होते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने आते हैं स्लम एरिया में कि कभी खाना, कभी चॉकलेट्स, कभी क्या टॉफ़ी, क्या किसी के श्राद्ध है, कोई चीज़ है, तो वो आते हैं. पहले ये लोग भग के जाते थे कि हमें मिल जाए. लेकिन अब एक ऐसा वक्त आ गया है, ये लोग बदल गए हैं. एजुकेशन की वाकई में नीड है, लेकिन जिस वजह से ये लोग एजुकेशन नहीं पा पा रहे हैं, स्कूल का चाहे एडमिशन हो, चाहे इनका खाना हो कि इनको कमाना पड़ता है, वो चीज़ ही अगर हम ख़त्म कर दें तो शायद बदल सकते हैं. और बहुत वाकई में हम लोग इस चीज़ को बदल सकते हैं. आर्टिकल 21A बड़ा ज़रूरी है, आप जाके गूगल करके पढ़ो. फंडामेंटल राइट है, गवर्नमेंट ने दिया हर बच्चे को राइट टू एजुकेशन विच इज़ कंपल्सरी, नेसेसरी एंड फ्री विद द मील. लोग एक स्टैंड लेते हैं कि चलो गवर्नमेंट ने करी तो मैं कुछ कर दूँ. काफ़ी बार हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहते हैं कि फैसिलिटीज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं, अगर नहीं है तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ, जब तक चीज़ें सुधरने जाती हैं. तो मेरे पीछे बैठे श्री सुशील जी हैं जो ये एजुकेशन संस्था चलाते हैं, विच इज़ एन ओपन स्कूल. ये गवर्नमेंट से फंडेड नहीं है, खुद की सैलरी यूज़ करते हैं, रेलवे में काम करते हैं. एंड काफ़ी हमारे ऐसे लोग, आपके ऐसे लोग जो आसपास रहते हैं गाज़ियाबाद के अंदर, वो आते हैं, कोई खाने को दे जाता है, कोई पढ़ाई के लिए सामान दे जाता है, कोई पुरानी यूनिफॉर्म दे जाता है. तो ऐसे ये सब चल रहा है. तो पर्पस क्या यहाँ पे आने का, पर्पस यहाँ पे आने का ये है कि हम लोग ये चीज़ हाईलाइट कर सकें एंड हम लोग भी हेल्प कर सकें. वीडियो के एंड में मैं आपको एक लिंक दूंगा, तो आपके यहाँ दो ऑप्शन रहेगी. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगे, पहले तो वीडियो पूरी देखो बिना स्किप करे. उससे क्या होगा, ये वीडियो काफ़ी लोगों को रिकमेंड होगी. और मुझे पता है कि काफ़ी बच्चे जो अभी 8, 9, 10, 11, 12 साल के हैं, जो अभी कुछ अर्न नहीं कर रहे, वो भी ये वीडियो देख रहे हैं. एंड वो ये पूछेगा कि मैं कैसे इन बच्चों की हेल्प कर सकता हूँ, मैं कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ. तो वी द पीपल इन डेमोक्रेसी, और बच्चे भी इन बच्चों की मदद कर सकते हैं. कैसे, पहली चीज़ आपको बताइए, पूरी वीडियो देखो. सेकेंड, इफ़ यू कांट गो ऑन द लिंक एंड क्लिक ऑन दैट, कोई बात नहीं, आप वीडियो शेयर करो, हर जगह शेयर करो, जितनी भी शेयर कर सकते हो, इन लोगों के लिए उतना अच्छा है. तो आपका एक शेयर इन लोगों का भविष्य बदल सकता है और आप भी कंट्रीब्यूट हो सकते हो इस जगह के. तो चलते हैं, बात करते हैं और कुछ बच्चों से भी बात करते हैं कि उनको यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसे लगता है और कैसे यहाँ पे लोग कम्युनिटी में मिलकर इन बच्चों की हेल्प कर रहे हैं. मेरा नाम शिप्रा अग्रवाल है और मैं गृहिणी हूँ, और मैं यहाँ बच्चों को मैथ्स पढ़ाने के लिए आती हूँ एज ए वॉलेंटियर. और मुझे मैथ्स पढ़ाना यहाँ बच्चों को अच्छा लगता है, और मैं फील कर रही हूँ कि कुछ बच्चे इतना अच्छे से कर रहे हैं कि मतलब वो करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं. कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उठ के पूछते हैं, और मुझे लगता है कि जो मेरे मैथ्स की नॉलेज है वो उन्हें दे रही हूँ, तो उससे उन लोग को बहुत फ़ायदा हो रहा है.
और मैं डेली आती हूँ और एज ए वॉलेंटियर ही आती हूँ यहाँ पे, और मुझे ये सोशल कॉज करते हुए बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू। मैं नवीज अनवर। क्या नाम है आपका? मैं नवीज अनवर। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट। तो क्या पढ़ रहे हो आप आज? मैथ्स। अच्छे लगता है मैथ्स? यस सर। और सबसे होशियार कौन है मैथ्स में? वेरी नाइस। तो व्हील चेयर आप देख रहे हो, ये बच्चा का नाम गफार है, एंड मुझे ये कहा गया कि ये बचपन से ही चल फिर नहीं सकता कुछ न्यूट्रिशन की कमी से, एंड यहाँ पे एक व्हील चेयर आई थी तो इनको व्हील चेयर दी गई, तो यहाँ व्हील चेयर पर यहाँ पे आते हैं। इतना मतलब ये नहीं है कि इनका पर्पस सॉल्व हो रहा है, कुछ सीख रहे हैं, बट इनको एक अपने में खुशी मिलती है, एक लाइफ का पर्पस मिल गया जीने का। डॉक्टर्स ने कहा अगर कोई मल्टी विटामिन और कुछ इनको टैबलेट्स दिए जाए तो इनकी जो ज़िंदगी है वो इंक्रीज़ हो सकती है, बट लेकिन ये पहले से खुश है बिकॉज अपने इनको कोई रिजेक्ट नहीं कर रहा, इनको कोई जज नहीं कर रहा। तो एजुकेशन ये भी आपको सिखाता है कि आप किसी को जज मत करो, अपने आप में सब मिलके रहो। आप कितने साल से आ रहे हो यहाँ पे? मेरे को एक साल हो गया यहाँ पर वॉलेंटियरिंग करते हुए। अच्छा, और आप क्या पढ़ाते हो? मैं इनको साइंस पढ़ाता हूँ, साइंस विद मैथ, तो डिपेंड करता है कि बच्चों को मतलब काफ़ी सारी सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। और आप आसपास ही रहते हैं? मैं हाँ यही इंद्रपुरम में रहता हूँ, मैं वर्किंग हूँ, मैं बीफार्मा कर रखी है। ओके। साथ में मैं जॉब भी करता हूँ, जॉब के बाद मैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूँ। अच्छा। तो सुबह में मैं नोएडा 63 में जॉब करता हूँ, देन उसके बाद जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है ऑफिस से ऑफ होता है, सीधा ऑफिस के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, बच्चों को उसके बाद पढ़ाता हूँ। क्या एज आपकी? मेरी एज 24 है। तो इतनी उम्र में तो हम लोग ये चीज़ सोचते नहीं थे, हम 24 के थे तो हम ये सोचते थे काम खत्म हो गया चलो मस्ती के लिए चले, लेकिन आई रियली अप्रिशिएट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज सैनी है। मनोज सैनी जी। मनोज, मनोज आई रियली अप्रिशिएट जो आप काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच। आपकी उम्र में आप काम करने के बाद भी आप बच्चे साइज सोचते जिम चले जाए, गर्लफ्रेंड से बात कर ले या फिर, लेकिन आप कॉन्ट्रीब्यूट करो टूवर्ड सोसाइटी, एंड ये चीज़ एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के लिए काम आती है। बिल्कुल सर। ऐसे अगर आप ऐसे भी हो आसपास रहते हो जो कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, आप तब भी आ सकते हो, एंड यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स दिस किड्स, एंड उनकी हेल्प कर सकते हो, वॉलंटियर करके पढ़ा सकते हो, किसी सब्जेक्ट में अच्छे हो तो जैसे भी आप आ सकते हो यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट, खाना भी बना सकते हो आप, देयर लॉट ऑफ थिंग्स आप जो वहाँ पे कर सकते हो। पहले तो मैं आपसे पूछना को सुशील जी, ये निर्भेद नाम क्यों रखा आपने? देखिए सर, निर्भेद का मतलब होता है कोई भेदभाव नहीं, नो डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि देश वाकई में भेदभाव की वजह से बटा पड़ा है, चाहे वो जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम को या आर्थिक स्थिति के हालात हो। तो हमने कहा कि हमारी पूरी टीम निर्भेद होकर बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के काम करेगी लोगों की हेल्प करने के लिए, तभी देश की उन्नति होगी, इसलिए नाम हमने निर्भेद फाउंडेशन रखा। ये कि राइट टू एजुकेशन हमारे देश में एक ऐसा आर्टिकल निकला था जो कि वाकई में जनहित के लिए था, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार ने तो बहुत अच्छा बनाया, सरकार नो डाउट कि उसकी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन नीचे लेवल पर आके, ग्राउंड लेवल पर आके, या हम कहें कि बीच में आके इन लोगों को वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, इवन कैसी भी इमरजेंसी आ जाए वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, उसके बावजूद भी इन बच्चों को एडमिशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सिस्टम में जब जाते हैं हम स्कूल में, ये बच्चे जाते हैं किसी डॉक्यूमेंट लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से कि इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या किसी और वजह से, या कह देते हैं कि स्कूल में बैठने के लिए जगह नहीं है, तो इनको स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता है, तो इसी वजह से मजबूरी पड़ जाती है। लेकिन इनको शिक्षा देने के लिए ठीक है स्कूल में नहीं हो रहे, तो हम स्कूल लेवल की एजुकेशन हम अपने ही सेंटर पर देते हैं, डेली 4 से 5 घंटे इनकी क्लासेज होती हैं, अगर इनका स्कूल में एडमिशन हो जाता तो शायद हम लोगों को ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक दिक्कत ये भी है कि स्कूल जब एडमिशन देता है तो राइट टू एजुकेशन के हिसाब से ये है कि इवन फर्स्ट पेज में ये लिखा हुआ है कि बच्चे को उसकी एज के हिसाब से क्लास मिलेगी, यदि वो एज के हिसाब से टाइम पे क्लास नहीं कर पाया तो उसका भविष्य एजुकेशन कोई मतलब नहीं है, तो स्कूल इनकी एज के हिसाब से इनको एडमिशन नहीं देता, अगर वो एडमिशन इसकी एज के हिसाब से मिलता शायद कुछ कर पाते, और अगर और पहली बात तो वो रखते ही नहीं है कि छोटे बच्चे के साथ में बड़े बच्चों को रखेंगे नहीं, अगर उसकी एजुकेशन लेवल के हिसाब से एडमिशन देते हैं तो स्कूल डिनाई कर देता है कि हम एडमिशन नहीं देंगे, ना ही छोटी क्लास में, बड़ी क्लास की उसको नॉलेज नहीं है, स्कूल बोलता है कि बड़ी क्लास की उसको नॉलेज नहीं है तो बड़ी में हम रखेंगे नहीं, छोटी के लिए ये बड़ा है, इसका साइज बड़ा है, छोटे बच्चों के साथ ये रह नहीं पाएगा, तो दोनों ही केसेस में बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता, एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है इस समय जो हम फेस कर रहे हैं। सुशील जी, अगर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं या फिर कोई आसपास गाजियाबाद में रहता है और वो जानना चाहे कि वो कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो किस वे में और किस फॉर्मेट में यहाँ पे आके कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि इन बच्चों का भविष्य सुधर सके? सर देखिए, बहुत तरीके हैं मदद करने के, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिस तरीके से आप हमारी और इन बच्चों की मदद कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये, हमको क्या चाहिए और इन बच्चों को क्या चाहिए, इनको हम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं
शिक्षा इनको टाइम से मिल पाए तो उसके लिए फूड खाना होगा या कपड़े होंगे। तो जैसा कि हम लोगों का गाज़ियाबाद में ये सेंटर चल रहा है, तो नियर बाई में जो हमारे मॉल्स हैं, ज़्यादातर मॉल में हम लोगों के ड्रॉप सेंटर्स हमने बनाए हुए हैं, जहाँ पर क्लॉथ्स आप डोनेट कर सकते हैं, आप रॉ फूड डोनेट कर सकते हैं, या फिर आप मेडिसिन डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि एक चीज़ है, कॉन्सेप्ट है कि हिंदू धर्म में पहले ये होता था कि जब इवन पहले भी होता था कि जब हमारी मम्मी खाना बनाती थी तो एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा अलग से, मतलब एक रोटी अलग से बनाती थी, कहती थी ये गाय के नाम की रोटी है। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती जा रही है, चीज़ें होती जा रही हैं, दिल्ली में तो गाय नहीं मिलती, इवन गाज़ियाबाद में भी, यहाँ इंदिरापुरम इलाके में गाय नहीं मिलती। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, गाय को नहीं आप करें, आप उसी कॉन्सेप्ट को बढ़ाइए, गाय की जगह एक इंसान के बच्चों को खाना खिलाइए। तो आप अगर दो रोटी सुबह मॉर्निंग में इन बच्चों के लिए या किसी के लिए भी बना के रख दें, ज़रूरी थोड़ी है गाय, भगवान ये चीज़ देख रहा है कि वो गाय को नहीं मिली, किसी इंसान को देख रहे हैं, तो पुण्य जितना गाय के लिए मिल रहा था उतना इनके लिए भी मिलेगा। तो आप ये कर सकते हैं कि दो रोटी इनके नाम से बना सकते हैं, जैसे कि सोसाइटी वाले हमें देके जाते हैं, तो आप रोटी डोनेट कर सकते हैं, सबसे बेस्ट आप कपड़े कर सकते हैं, आप मेडिसिन कर सकते हैं, तो स्टेशनरी कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो डायरेक्ट बच्चों को होंगी, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है, और इससे वाकई में बदलाव आएगा, ये पढ़ पाएंगे, काम कर पाएंगे। तो हम ये वीडियो ये एंड कर रहे हैं, आपने देखा कबाड़ा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हम आए इन बच्चों का बातें करी, कुछ खेले, कुछ एक्टिविटीज़ देखी, और देखा कि कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं बच्चे। अब आपको मैं एक लिंक दे रहा हूँ, इनका एसोसिएशन एक एक फंडिंग साइट से हो रखा है मिलाप से, उसका मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ, आप जाके 100 रुपये 50 रुपये पेटीएम से कुछ भी आप दे सकते हो। इनका एक टारगेट है वहाँ पे, तो लिखा होता है वो टारगेट कितना है, तो अगर आप दे सको तो आप दे सकते हो, बड़ा ट्रांसपेरेंट है। वर्ल्ड ओवर मिलाप इज़ नोन फॉर हेल्पिंग कैंसर पेशेंट्स, ऑल काइंड ऑफ कॉस्ट, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें कुछ नहीं मिलना, बस हमें ब्लेसिंग मिलेगी भगवान की कि हमने ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करी। और यही हमारा रोल है कि हमारे पास जब प्लेटफॉर्म है तो हम ऐसी चीज़, इतना अच्छा इनिशिएटिव आप लोगों के साथ लेके आए कि पूरे हिंदुस्तान में कोई ना कोई तो दूसरा सुशील पैदा हो, या दूसरा बंदा सुशील बने। ऐसे अगर कुछ 100 बंदे ही बन गए ना, तो जो आर्टिकल 21A है, गवर्नमेंट की कुछ अगर मिडिल लेवल की कमियां भी है, तब भी पूरा हो जाएगा। वी सिटीजन्स ऑफ दिस नेशन वुड हेल्प देम डू दैट। अगर आप फंड में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो आपको बताया है, पूरी वीडियो देखो दोबारा से, लाइक करो, शेयर करो, ऐसे आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई यूट्यूब फैमिली और फेसबुक फैमिली, जहाँ भी आप ये वीडियो देख रहे हो। सो ऑन दैट नोट, दिस इज योर होस्ट निखिल चावला, टेक केयर।